प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना आज ही बंद कर दो, क्योंकि ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से प्रोटीन पाउडर से आपकी किडनी खराब हो सकती है। और यहाँ पर ये बॉडीज बिल्कुल सही है, बट क्या आपके फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो इन प्रोटीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं इस टॉपिक को ध्यान से एनालाइज करके प्रमोट करेंगे या फिर सीधा डिसरिगार्ड कर देंगे? तो आओ ये गाइडलाइंस को ध्यान से एनालाइज करते हैं। इन गाइडलाइंस के हिसाब से आपके प्रोटीन पाउडर्स में एडेड शुगर्स, नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स एंड अदर एडिटिव्स होते हैं जो आपके प्रोटीन के क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। एंड ये गाइडलाइंस 100% एक्यूरेट है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना इतना भी हार्ड नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक रेगुलर जिम ब्रो हो या फिर एक कॉम्पिटिटिव एथलीट हो। दोनों ही केस में अगर आप 1.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो वो प्रोटीन इंटेक आपका यूजलेस हो जाएगा। इसके साथ साथ काफी सारे प्रोटीन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को मिसगाइडिंग वे में मार्केट करती है, बट अगर आप हेडलाइन को छोड़कर इस स्टडी को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप ये समझोगे कि प्रोटीन पाउडर्स में प्रॉब्लम प्रोटीन की नहीं, उसके साथ ऐड होने वाले दूसरे मटेरियल्स की है। यहाँ पर बस ये नैरेटिव कन्वे हो रहा है कि आपको डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने का ट्राई करना चाहिए, जो थियोरेटिकली काफी सही स्टेटमेंट है बट काफी सारे लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए आपको चीप प्रोटीन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेने के पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशन लेबल्स को एनालाइज करने हैं। एंड अगर आप किसी प्रोटीन की क्वालिटी को एनालाइज नहीं कर सकते तो उस केस में आपको डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना चाहिए। एंड अगर अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लेना चाहते हो तो कमेंट करो प्रोटीन एंड आई विल सेंड इट टू यू।